हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डेली द हिंदू एनालिसिस और उसके साथ साथ द इंडियन एक्सप्रेस का फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद हम उसी में से 20 क्वेश्चंस को निकालकर उनका भी एनालिसिस करते हैं ताकि आप लोगों के एग्जाम में वो हेल्प कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा है, हु हैज लॉन्च द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके लिए एक अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, मैं कह सकता हूं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए न्यू दिल्ली में। तो किसने लॉन्च की है, तो सिंपल वन लाइनर में मैं याद रख सकता हूं कौन, अमित शाह। और अमित शाह कौन है, तो हमारे कौन है, होम मिनिस्टर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, बहुत सारी जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, वो बहुत सारी स्कीम्स को इनोग्रेट करते हैं तो एग्जाम में पूछ लेता है, हालांकि वो स्कीम होती दूसरे डिपार्टमेंट की है, उसका इनोग्रेशन कई बार दूसरे डिपार्टमेंट के लीडर कर देते हैं, तो उस बात के उस पॉइंट कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था, तो सिंपल सा ध्यान रखना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो हमारे चाइना के साथ जो बॉर्डर्स में जो बॉर्डर विलेज हैं उनको डेवलप करने का काम था, उन विलेज के अंदर क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम था, वो लगभग 4800 यानी कि 4800 करोड़ रुपीज का लगभग प्रोजेक्ट होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं किसके अंडर बने होते हैं, तो याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोटेक्शन कौन देता है, स्टेट देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि जब भी कोई स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगा। उसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 43, उसके बी में लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा हुआ है क्या कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्टेट प्रमोट करेगा। ठीक है, और ये किसके विजन में आता है, तो याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अल्कोहल पे बैन होना, उसके साथ साथ ग्राम पंचायतों का होना, ये गांधीज विजन में आते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी हैज कमीशन इट्स फर्स्ट, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एक इलेक्ट्रोलाइजर लगाया गया है कहां पर, हजीरा गुजरात, किस कंपनी ने बनाया है, तो ऑनलाइनर में याद रखना L&T, ठीक है, लॉर्सन एंड टर्बो ने। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च द इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम। देखो आपने देखा होगा एक पीएम आवास स्कीम आती है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को हाउस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब एक स्कीम है कौन सी, इंदिरा अम्मा। इंदिरा अम्मा कौन से स्टेट की स्कीम है, तो याद रखना तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका फर्स्ट फेज में लगभग 35,000 लोगों को बेनिफिट पहुंचाने का टारगेट है। इसमें क्या है कि मान लो आपके पास जमीन है और आपको घर नहीं है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए देगी, आप उस पर घर बनाओ। अगर मान लो आप आपके पास जमीन भी नहीं है तो सरकार आपको क्या देगी, पहले जमीन देगी, फिर उस जमीन के ऊपर आपको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए देगी। तो जो जो लोग जो घर जिनके पास घर नहीं है ना, हाउस फैसिलिटीज नहीं है, तो उन लोगों को घर प्रोवाइड कराने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है, इंदिरा अम्मा। और कौन से स्टेट की है, तो याद रखना सिंपल वन लाइनर में, तेलंगाना स्टेट की है। ठीक है, और तेलंगाना कब बना था, तो याद रखना तेलंगाना की फॉर्मेशन कब हुई थी, 2nd of June 2014 को, और 2024 में इसके कितने साल पूरे हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। याद रखना एक FIU एक ऐसी यूनिट है जो क्या करती है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो इलीगल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनकी क्या करना, मैपिंग करना है ना, उनका पूरा का पूरा डाटा अपने पास कलेक्ट करके रखना कि कहीं इलीगल ट्रांजेक्शन तो नहीं हुआ है, कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं हो गई है, ये सारा काम करता है कौन, FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2004 के अंदर। अभी इसने रिसेंटली क्या किया है, एक पेमेंट बैंक है हमारे यहाँ का जिसके ऊपर 5.49 करोड़ रुपए का बैन लगाया है, फाइन लगाया है। आई थिंक आप लोग बिना इसमें देखे बता सकते हो किस पे लगा होगा, किस पे, पेटीएम पेमेंट बैंक पे, क्योंकि पेटीएम के ऊपर आपने सुना होगा बहुत सारा कंसर्न चल रहा था कि 29 फेब के बाद बंद हो जाएगा, फिर आया कि ये मिल जाएगा SBI में, और जब SBI में मिल जाएगा तो ये दोबारा से चलता रहेगा। हालांकि पेटीएम चल रहा है लेकिन क्या बंद हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक। व्हाट इज पेटीएम पेमेंट बैंक, तो समझना इंडिया में टोटल 6 पेमेंट बैंक है,
और पेमेंट बैंक का मतलब अगर आपके पास 100 करोड़ रुपीस है यानी 100 करोड़ रुपीस तो आप पेमेंट बैंक स्टार्ट कर सकते हो। ये एज ए एनबीएफसी आप स्टार्ट कर सकते हो, लोगों को लोन बांट सकते हो जैसे पेमेंट क्या पेटीएम के अंदर होता था, ठीक है। पोस्ट पेड सर्विसेज होती थी, पोस्ट पेड लोन का नाम दिया हुआ था उसको, ठीक है। और उसमें आप क्या कर सकते हो, एज ए डिजिटल बैंक अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन उसमें आपको कम से कम ये डिटेल तो देनी होगी ना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, कौन उसके फंडर हैं, कौन उसके क्या बोलते हैं उसके डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। फंडिंग कहाँ से हो रही है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बताया, मना कर दिया, क्योंकि ये सकता कि डायरेक्टली फंडिंग चाइना से हो रही है, तो इसके ऊपर जब प्रेशर दिया गया तो इसने अपनी डिटेल्स डिस्क्लोज करने से मना कर दिया, तो सरकार ने इसके पेमेंट बैंक को खत्म कर दिया, दी एंड। लेकिन समझना कितने पेमेंट बैंक है, 6। पहला कौन सा बना था, तो याद रखना भारत का पहला पेमेंट बैंक था एयरटेल पेमेंट बैंक, जो 2016 में बना था। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है हमारे पास, ठीक है, फिनो पेमेंट बैंक है, ठीक है। ऐसे करके टोटल अब कितने बचे, 5 पेमेंट बैंक बचे हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन मार्च 2024 शहबाज शरीफ हैज बीन इलेक्टेड, देखो अभी पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे तो पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया, सिंपल सा, कौन बनाया है, तो शहबाज शरीफ। कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, तो याद रखना पाकिस्तान मुस्लिम लीग, किससे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब समझना ऐसे इंडिया में भी एक मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी, और इंडिया में जो मुस्लिम लीग पार्टी बनी थी वो कब बनी थी, तो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1906 में। और ये क्यों बनाई गई थी, क्योंकि 1905 में बंगाल सेपरेशन हुआ था, बंगाल डिवीजन हुआ था, और जब बंगाल डिवीजन हुआ था तो बंगाल डिवीजन में यही कहा गया था कि बंगाल के दो हिस्से कर दो, इस तरफ रहेंगे मुस्लिम और इस तरफ रहेंगे हिंदू, ठीक है। अब हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने के लिए उन्होंने क्या गेम खेला, रिलीजन। जैसा कि आज भी अगर तुम देखोगे तो अगर तुम्हें रूल करना है तो सबसे बेस्ट क्या होता है, जहां पर रिलीजियस पॉपुलेशन होती है वहां पर जो रिलीजन कार्ड है वो हमेशा यूज ऑफ द मार्च। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, या जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं भी एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। और एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा, रोड एक्सीडेंट में तो पर ईयर पर डे 462 का एवरेज है कि डेथ होती है, इसीलिए हिट एंड रन लॉ लाया गया था, जो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ इंडस्ट्रीज में, तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हर साल 4 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 4th मार्च को, तो नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाती है, ठीक है। इस बात को वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड ओबेसिटी डे इज ऑब्जर्व। मैंने कल भी पढ़ाया था आपको द हिंदू के अंदर कि जो वर्ल्ड ओबेसिटी डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, तो याद रखना ये भी 4th मार्च को। एक्चुअल में क्या है कि जितने लोग ओबेसिटी का शिकार हैं, है ना, जो मोटापा जिस रेट से बढ़ रहा है, मैंने कल भी बताया था बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, बहुत सारे लोग अंडरवेट हैं। ओवरवेट वालों की संख्या 7.2 मिलियन में पहुंच चुकी है, जिसकी जो मैं कह सकता हूं कि जिसकी एज ग्रुप कितनी है, 6 to 19 के बीच में। लेकिन अगर मैं 5 ईयर के एज के कम की भी बात करूं ना, तो इंडिया में 30 to 50 मिलियन लोग बच्चे ऐसे हैं जो 5 ईयर के एज से कम है और वह भी ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। तो इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए कि ऐसा नहीं करना, हमें अच्छी हेल्थ बनानी है, फिट रहना है, तो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे, याद रखना 4th of the March। उसके साथ चलते हैं नेक्स्ट, वेयर हैज द 20 feet हाई स्टैचू ऑफ महाराणा प्रताप बीन अनवेल्ड रिसेंटली। महाराणा प्रताप कौन थे, महाराणा प्रताप तो आपको पता होगा अकबर के साथ उनकी लड़ाई हुआ करती थी, आपने एक नाम भी सुना होगा हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो हल्दी घाटी की जो बैटल थी वो लड़ी गई थी 1576 में हल्दी घाटी, ठीक है। उसके अंदर जीता कौन था, तो याद रखना मानसिंह। एक्चुअल में हल्दी घाटी की बैटल में अकबर और किसके बीच में लड़ाई होती है, महाराणा प्रताप, और अकबर की तरफ से कौन आता है, तो याद रखना उसका सेनापति, उसका कमांडर कौन होता है, मानसिंह। और मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से 9 जो ज्वेल्स थे उसके उसमें से भी एक था, याद रखना। अब समझना लड़ाई होती है, जीतता कौन है, मानसिंह जीत जाता है। और महाराणा प्रताप से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम से कि इनके जो घोड़े का नाम क्या था, तो इनके घोड़े का नाम याद रखना चेतक, ठीक है। इनके हाथी का नाम क्या था, तो याद रखना इनके हाथी का नाम क्या था, तो इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद, क्या था, राम प्रसाद। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो जो अकबर है वो उनके राम प्रसाद को ले जाता है, और राम प्रसाद को ले जाकर इसका नाम चेंज करके क्या कर देता है, पीर प्रसाद कर देता है। और पीर प्रसाद क्या करता है, खाना पीना छोड़ देता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद याद रखना अभी रिसेंटली ये कहां पर बनाया गया, तो ये हैदराबाद में बना है। लेकिन रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि एक एमपी के अंदर, है ना, मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह बनाई गई है जिसको नाम दिया गया है महाराणा प्रताप लोक,
है ना, जैसे स्वर्ग लोक नर्क लोक होता है ना, ऐसे महाराणा प्रताप लोक वो भी कहाँ इनोग्रेट किया गया था अभी 3 to 4 months पहले, तो एमपी के अंदर, ठीक है। और ये स्टैचू कहाँ पर लगाया गया है, हैदराबाद के अंदर। और एक फेमस बैटल याद रखना कौन सी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली एन इंपॉर्टेंट बायलेटरल समुद्र लक्षण अभ्यास। देखो हर महीने एक्सरसाइज होती रहती हैं, कभी होंगी नेवल एक्सरसाइज, कभी होंगी एयरफोर्स एक्सरसाइज, कभी होंगी मिलिट्री एक्सरसाइज। तो अभी एक एक्सरसाइज हुई है समुद्र लक्षण अभ्यास, किसके बीच में हुई है, तो याद रखना इंडिया यानी इंडियन नेवी और उसके साथ मलेशियन नेवी के साथ हुई है, ठीक है। और ये इसका थर्ड एडिशन था, ठीक है, तो ये हम वन लाइनर में याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर विल पलास फ्लावर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो कहां पर हुआ है ये, तो सिंपल याद रखना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। तो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इन्होंने झारखंड में इनोग्रेट किया, और झारखंड में इन्होंने लगभग 35,000 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है। इस बात को भी सिंपल वन लाइनर में ध्यान रखना है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, Who has recently been made the head of Parliament Security? देखो पार्लियामेंट में अभी तुम्हें पता है पार्लियामेंट में ब्रीच हुआ था, कुछ बच्चे थे जो स्मोक बॉम्ब लेकर पहुंच गए थे और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर जब अरेस्ट कर लिया गया तो जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने जो एक एमपी था बीजेपी का जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ था उसका नाम क्या था, प्रताप सिन्हा। इस प्रताप सिन्हा ने क्या किया था, उन बच्चों को पास अलॉट किए थे, और जब पास अलॉट किए थे तो इससे पूछा जाना चाहिए था कि तुमने पास अलॉट क्यों कर दिए जब वो बच्चे ऐसी हरकत करने वाले थे। तो अपोजिशन वालों ने क्या कहा कि इससे रिजाइन मांगा, तो लेकिन इसका सस्पेंड भी नहीं किया गया, इसको रिजाइन भी नहीं किया गया, इसका सस्पेंशन नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो अपोजिशन वालों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, जब क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए तो वहां पर जो पार्लियामेंट में जो जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, राज्यसभा के अंदर वाइस प्रेसिडेंट होता है जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, उसने क्या किया, जो क्वेश्चन पूछता उसको सस्पेंड करना शुरू कर दिया। तो आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था, 146 एमपीज को वहां से सस्पेंड कर दिया गया था, कहां से, पार्लियामेंट से। तो वो जो पार्लियामेंट्री ब्रीच हुआ था उस ब्रीच के बाद अब समझना उस पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का हेड को बदल दिया गया है, और कौन बन चुका है, अनुराग अग्रवाल। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता, समझना, अगर ये इंसिडेंट नहीं होता पार्लियामेंट ब्रीच का, तो हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ते। लेकिन अभी आपसे एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इश्यू था इसके अंदर कि कैसे एक बीजेपी के एमपी को बचाने के लिए उन्होंने उससे सवाल ना पूछकर, जबकि सवाल पूछने वालों को ही क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, वेयर हैज छप चरकूट फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। कहां पर सेलिब्रेट किया गया है, तो याद रखना मेघालय में। और मेघालय क्यों फेमस है, तो याद रखना मेघालय तीन हिल्स बनी हुई है वहां पर, एक का नाम है गारो, एक का नाम है खांसी, और एक का नाम है जयंती। और इन तीनों के बीच में, मेघालय के बीच में क्या है, देखो मेघालय का मतलब है मेघों का घर, है ना, बादलों का घर, हाउस ऑफ द क्लाउड्स, हमेशा बारिश होती रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेन कहाँ होती है, तो याद रखना वर्ल्ड में हाईएस्ट रेन कहाँ पर होती है, तो मेघालय में। मेघालय में कौन सी जगह है, तो मोशिनराम। किसमें होती है, मोशिनराम के अंदर। क्यों, क्योंकि तीन पहाड़ियों के बीच में हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि वहां पर बारिश ना होती हो, डेली वहां पे लोगों को छाता लेकर अम्ब्रेला लेकर निकलना ही पड़ता है, ठीक है। पहले कौन सा था, तो पहले दुनिया में सबसे ज्यादा रेन वाला इलाका था चेरापूंजी, वो उससे थोड़ा साइड में पड़ता है, ठीक है। अब चेंज होकर मोशिनराम हो चुका है, इस बात को भी ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, अगलेगा आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। आज ही मैंने पढ़ाया था द हिंदू में कि अगलेगा आइलैंड वो कहां पर है, तो मॉरिशियस में। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट वो क्या बना रही है, एयर स्ट्रिप बना रही है, एयर स्ट्रिप बेस बना रही है, ठीक है, ताकि वहां पर सिक्योरिटी वगैरह पर्पज से, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, वाशिंगटन डिक्लेरेशन वॉज साइंड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री। किस किस के बीच में हुआ था, तो याद रखना यूएसए और उसके साथ कौन था, साउथ कोरिया। क्यों हुआ था, क्योंकि साउथ कोरिया के पास मिलिट्री नहीं है, मिलिट्री कौन प्रोवाइड कराता है, तो यूएसए। लेकिन यूएसए क्या गारंटी है कि साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से बचाएगा, क्यों नहीं बचाएगा, क्योंकि आपने देखा कि अभी रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, यूक्रेन आना चाहता है नाटो में, नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है 1949 में,
इसके टोटल मेंबर है 31st, लास्ट जो मेंबर जुड़ा है वो कौन सा है, फिनलैंड। अब ये आना चाहता है नाटो में, नाटो में अमेरिका इसको आने नहीं दे रहा, पीछे से रशिया इस पर अटैक किए जा रहा है, अब ये गेट खोल नहीं रहा, तो क्या गारंटी है कि कल को साउथ कोरिया पे नॉर्थ कोरिया अटैक कर दे और ये इसकी हेल्प करे। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक डिक्लेरेशन, एक मीटिंग, एक एमओयू साइन किया जिसको नाम दिया गया वाशिंगटन डिक्लेरेशन, जो लास्ट ईयर हुआ था। उसमें कह दिया गया कि अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ रख दे, साउथ कोरिया के बॉर्डर पर, लेकिन उसको चलाने की अथॉरिटी किसके पास रहेगी, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास। और ये जो डील हुई वो क्या कहलाती है, वाशिंगटन डिक्लेरेशन। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक ट्रीटी हुई थी एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई थी 1 जुलाई 1968 में। इसमें सभी कंट्रीज ने साइन कर दिए थे कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज ने नहीं किए थे, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सूडान, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज ने। तो अब अगर नॉर्थ कोरिया अटैक करेगा तो बचेगा कैसे बेचारा, तो उसने अपनी सेफ्टी के लिए क्या किया, डिक्लेरेशन कर लिया, तो या मीटिंग कर लिया, डील कर ली, किसके साथ हुआ है, तो साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स। देखो फ्री लीगल एड का मतलब है कि मान लो कोई गरीब आदमी है, उसके किसी अमीर आदमी से बहस हो गई और वो चला गया कोर्ट में, तो गरीब आदमी तो लड़ ही नहीं पाएगा, लॉयर कहाँ से हायर करेगा, अमीर आदमी तो अच्छा लॉयर हायर कर लेगा। तो गरीब आदमी की हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल जो वीक है उसको हेल्प करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम था नलसा, नेशनल लीगल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, सॉरी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नलसा एक्ट, ठीक है। उसी के साथ बना स्टेट लेवल पर सलसा, उसी के साथ बना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डलसा, और ये तीनों कौन से आर्टिकल के अंडर बने, तो आर्टिकल 39 के ए के अंडर, यानी कि आर्टिकल 39 इज द राइट आंसर, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हु डिजाइंड द लोगो ऑफ जीआई टैग। देखो रिसेंटली जीआई टैग जो है ना उसका लोगो चेंज किया गया है। एक्चुअल में जीआई टैग स्टार्ट कब हुए थे, याद रखना एक्ट आया था 1999 में, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2003 में, और जो पहला जीआई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग टी को। और जीआई टैग जो मिलता है वो कितने टाइम के लिए मिलता है, तो याद रखना 10 साल के लिए मिलता है, फिर इसको रिन्यू करवाना पड़ता है। इसका मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन का कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा प्रोडक्ट, सॉरी, जो बहुत फेमस है, और जब बाहर से कभी ऑर्डर होगा तो वही क्वालिटी प्रोडक्ट वहां से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसका अभी लोगो बनाया गया है जिसमें सैफ्रॉन कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है, प्लीज जाकर इसका लोगो चेक कर सकते हो। और वो लोगो बनाया किसने है, तो ये क्वेश्चन पूछा है, तो किसने बनाया है, आद्री चटर्जी ने उसको लोगो को बनाया है। एक नया क्वेश्चन इसमें ऐड हो चुका है, ध्यान रखना। दूसरी बात, उसके अंदर एक स्लोगन लाइन बनाई गई है, वो स्लोगन लाइन किसने दी है, आकांक्षा त्रिपाठी ने। मैं आपसे आई होप कि आप लोग इस बात को कमेंट करोगे कि वो स्लोगन लाइन क्या है जीआई टैग के लिए, ठीक है, जो आकांक्षा त्रिपाठी ने बनाई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, When was the State Bank of India formed? State Bank of India कब बना था, तो याद रखना State of Bank of India की formation हुई थी 1955, और 1955 में कब बना था ये, तो समझना, पहले 1921 में एक बैंक था, कौन सा, Imperial Bank of India, और वो जो Imperial Bank of India बना था उसकी formation कब हुई थी, तो उसकी formation हुई थी 1921, और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए तो इसी काम ने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन, यानी कि इसको क्या बना लिया, नेशन की प्रॉपर्टी बना लिया, इसको कर दिया नेशनलाइज, और फिर इसका नाम क्या रख दिया, SBI। और ये न्यूज़ में क्यों आ गया, तो शायद आपने पढ़ा होगा द हिंदू में कि SBI से पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, इलेक्शन कमीशन ने पूछा था एक्चुअल में, कि तुम्हारे पास जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में जितने पैसे आए थे उसकी रिपोर्ट हमें दो, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड को अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्या कर दिया था, नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि 6 मार्च तक तुम्हें इन्फॉर्मेशन देनी है, आज है 5 मार्च, तो कल इनको इन्फॉर्मेशन देनी थी, इन्होंने मना कर दिया, हम 30 जून तक दे पाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज़ में भी थोड़ा सा बना हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके बाद चलते नेक्स्ट, When was the भाभा एटॉमिक पावर प्लांट was inaugurated in India? इंडिया में भाभा एटॉमिक पावर प्लांट कब इनोग्रेट किया गया था, तो याद रखना इसको कहते हैं BARC बार्क। ये बनाया किसने था, तो याद रखना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1954 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना ट्रांबे, और ट्रांबे कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और भारत में कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो लगभग याद रखना 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं भारत में। जैसे सबसे पहला कौन सा है, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कब बना होता है 1969 में, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, तो कुंडनकुलम इज द लार्जेस्ट, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। जैसे काइगा कहाँ पे है, तो कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वेट ऑन बटन दबा।